हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्जित रिक। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक मॉडल है, HP प्रो टावर 280 G9 मॉडल है। ये आपको मिल जाता है i5 प्रोसेसर 12 जनरेशन के साथ, 16 GB रैम और SSD NVMe रहता है। ये 512 SSD रहता है और विंडोज 11 प्रोफेशनल के साथ आता है। चलिए इसका लुक वाइज देखते हैं। लुक वाइज थोड़ा सा ट्रेंडी लुक रहेगा, जैसे कि कैबिनेट जो होता है स्मॉल साइज का रहेगा और इसमें हाईएस्ट पेन ड्राइव USB स्लॉट रहता है। आगे में रहता है 1 2 3 4 5 6 6 और पीछे दो रहता है USB पोर्ट। कुल मिला के 8 USB पोर्ट रहता है। HDMI पोर्ट एक रहता है और VGA पोर्ट, ऑडियो जैक एक रहता है और LAN पोर्ट रहता है और पावर SMPS एक नीचे रहता है। और लुक वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रेंडी लुक रहेगा, मिनी पीसी रहेगा। ये आपको विंडोज 11 प्रो के साथ आता है, 16 GB रैम, i5 प्रोसेसर। चलिए इसको स्टार्टअप करते हैं, पावर बटन को ऑन करते हैं। ये विंडोज 11 के साथ आता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं। यहाँ पे यस करेंगे, इंग्लिश इंडिया यहाँ पे यस करेंगे, स्किप कर देते हैं इसको। इसको अभी हम लोग ने इंटरनेट दे दिए। इसके बाद ये चेकिंग फॉर अपडेट कर रहा है। और लुक वाइज देखें तो ज़बरदस्त है। और ये USB आप 6 पोर्ट आगे रहता है और पीछे रहता है 2 पोर्ट और HDMI साथ रहता है। और एक्स्ट्रा स्लॉट भी आप ग्राफिक्स कार्ड के लिए लगा सकते हैं यहाँ। और वाईफाई इनबिल्ट है CPU में। यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग स्किप फॉर नाउ कर देते हैं। ये चेकिंग अपडेट होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए विंडोज 11 एक्टिव हो गया। जिस PC में राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देखिए विंडोज 11 आता है। ये 12 जनरेशन i5 12 जनरेशन 16 GB रैम और SSD के साथ ये आ जाएगा। HP प्रो टावर मॉडल 280 G9 मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। फीचर्स तो आप लोग जानते हो विंडोज 11 में अभी क्या क्या फीचर्स चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।